तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के तहत आ चुकी साल 2022 के लिए नई भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 6 से 8 तरह की अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के ऊपर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आप सभी लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आने वाली 23 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर पाएंगे। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊँगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप लोग भर पाएंगे इसके बारे में जानकारी दूंगा। आपको बता दें कि 6 से 8 तरह की अलग अलग पोस्ट वैकेंसी हैं, जिनके लिए क्वालिफिकेशन 5वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है 2022 के लिए। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, मनरेगा के तहत ये रिक्रूटमेंट है, आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, पूरी तरह से रियल जॉब है। अगर आपको यकीन नहीं होता आप लोग बस 2 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में ऑफलाइन आवेदन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया जाएगा। अगर आपको आज की ये वैकेंसी अच्छी लगती है, आपके काम की लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको बता दें कि आपकी उम्र यहाँ पर 18 से 35 साल की होगी, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और वेतन आपको स्टार्टिंग का 11,500 रुपये से लेकर 40,000 रुपये से भी ज़्यादा का दिया जाएगा। वेतन आपका वेरी करेगा अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, जिस तरह की पोस्ट होगी उस तरह का आपको वेतन दिया जाएगा। ज्वाइनिंग कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इन सारी चीज़ों को चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो देख पाएंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यहां पे आपको विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा। यहां पे सबसे पहले आपको सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चिपकानी होंगी, यानी कि अभी के अभी की आपकी हाल ही की फ़ोटोग्राफ लगानी होगी। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा दिखे। देखिए यहाँ पर आपको विज्ञापन का क्रमांक दिनांक आपको देना होगा, इसके बाद आवेदित पद का नाम देना होगा। यहाँ पे आपको 6 से 8 तरह की पोस्ट मिलेंगी, एक किसी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। कौन कौन सी पोस्ट है इसके बारे में आगे हम बताएंगे। आवेदक का नाम हिंदी में डालिएगा यहाँ पे, खुद का नाम, और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम लिखना है, स्मॉल लेटर्स का यूज़ मत करिएगा। पिता या पति का नाम डालिएगा, अगर लेडीज़ हैं शादी हो गई है तो आप लोग यहाँ पे पति का नाम डालिए, बाकी लोग यहाँ पे पिता का नाम फिल करिए। जन्मतिथि अंकों में लिखिए और उसी को यहाँ पे शब्दों में लिखिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल का प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट है उसके आप लोग फोटो कॉपी को लगा सकते हैं। आपकी जो आयु है वो 1/8/2021 से कितने वर्ष की, कितने महीने की और कितने दिन की हो गई बताना है। आपको अपना यहाँ पे स्थायी पता देना है, पत्राचार का पता यानी कि अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो यहाँ पे अभी का करंट एड्रेस दे देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देंगे, जाति अपनी बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है क्या आप दिव्यांग हैं, यानी कि यहाँ पे पीएच कैंडिडेट है कि नहीं आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको जानकारी देनी है। अगर आप लोग केवल 5वीं पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, विषय, किस वर्ष में कितना प्राप्तांक पूर्णांक था, कितने परसेंट बने, कौन सी श्रेणी। अगर आप 10वीं पास के लिए आवेदन कर रहे हैं 12वीं पास, तो आपको यहाँ पे जानकारी दे देनी है। इसके बाद यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि पूर्वभूत सैनिक है कि नहीं उसके बारे में बताना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीवन क्रमांक एवं दिनांक आपको देना है। इसके बाद अगर आपको अनुभव है तो बता देना है। वैवाहिक स्थिति बतानी है कि आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं। इसके बाद अगर हैं तो विवाह की तिथि बताना है, बच्चों की संख्या बताने हैं, और अंतिम जो बच्चा है उसकी यहाँ पर जन्मतिथि बतानी है। इसके बाद इस फॉर्म के साथ में आपने जो जो फोटो कॉपी अटैच करी है, चाहे वो 5वीं की मार्कशीट हो, 10वीं की मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आपको सबके यहां पे नाम लिख देने हैं, जितने भी आपने यहां पे फोटोकॉपी लगाई है। इसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर यहां पे कर देने हैं, देन यहां पे आवेदक के सेकंड हस्ताक्षर, आवेदक का नाम, दिनांक और स्थान के साथ में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के सेंड करना होगा। अब हम नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। सबसे पहले हम लोग पोस्ट डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समन्वयक शिकायत निवारण का पोस्ट मिलेगा, जिसके लिए वेतन आपको
40,840 रुपए दिया जाएगा। इसके लिए आपका MBA कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट हेतु अंक निर्धारण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी नंबर जो पोस्ट मिलेगी आपको समन्वयक तकनीकी की मिलेगी, यहाँ पे भी आपको वेतन सेम मिलेगा, BBTEC यहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर वैकेंसी है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर की मिलेगी, वेतन सेम रहेगा, BBTEC यहाँ पे भी चाहिए होगा। इसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम अधिकारी की वैकेंसी है जिनके लिए आपको 31,450 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पे प्रथम श्रेणी में MBA कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे समन्वयक तकनीकी जनपद स्तर में है 31,450, BBTEC यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सहायक प्रोग्रामर की वैकेंसी है 27,740 रुपये की एप्लीकेशन फीस है। कंप्यूटर साइंस में या फिर IT विषय में BBTEC यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तकनीकी सहायता यहाँ पे आपको जनपद स्तर मिल जाएगा, 25,780 रुपये वेतन है, यहाँ पे भी आपका BBTEC यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कम स्तर की पोस्ट आपको बताते हैं, सहायक ग्रेड सेकंड है जहाँ पे आपको 18,420 रुपये वेतन दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी में स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद लेखापाल की वैकेंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आगे बताया जाएगा, 18,420 रुपये यहाँ पे आपको वेतन है। BCOM में आपके कम से कम 55% होने चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपके लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है जिसके लिए 12वीं पास चाहिए होगा। अगर आप लोग 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग 12वीं पास नहीं हैं तो 10वीं पास हैं और साथ में डिप्लोमा किया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एक और वैकेंसी है सहायक ग्रेड 3 की, जहाँ पे आपको केवल 12वीं पास चाहिए होगा। अगर आप लोग 12वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, अगर आपको भृत यानी कि पे की पोस्ट के लिए आवेदन करना है, केवल यहाँ पे हिंदी में लिखा है 5वीं पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका केवल और केवल 5वीं पास वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो उम्र है कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 35 साल की होनी चाहिए तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। 21-22 के लिए वैकेंसीज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वेबसाइट के माध्यम से आपको आगे की जानकारी दे देते हैं। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। देख सकते हैं जिला पंचायत मनरेगा यहां पे भर्ती है 2022 के लिए। अधिक जानकारी के लिए rozgargyan.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटर की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, प्रोग्राम ऑफिसर की, कोऑर्डिनेटिंग टेक्निक की और इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट की, असिस्टेंट ग्रेड की, अकाउंटेंट के साथ साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर और पे यानी कि भृत्य की वैकेंसी यहां पे आपको मिल जाएंगी। इनके लिए आपको आवेदन करना है जिसके लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 साल की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। देन यहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। इसके बाद वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपका वेतन है जो कि 11,360 रुपये से लेके 40,840 रुपये तक जाने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास हैं तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन कर पाएंगे। आपका जो चयन है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। इससे नीचे आएंगे तो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोग अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन भी कर सकते हैं और पूरी डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने का सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी